जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापिस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन, और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है। 100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ, एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है, पढ़ो और पढ़ाओ, 1500 रुपये महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ, हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ये कांग्रेस का नारा है। दूसरी तरफ एक घोटालेबाज भ्रष्टाचारी सरकार है और इसीलिए हमें ये विश्वास है कि पहले नवरात्रे पर विजय की शुरुआत हो जाएगी।